दोस्तों नमस्ते। हमारे सामने एसएससी सीजीएल टीयर वन का इसी साल का ये 12 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स सच दैट ए ग्रेटर देन बी एंड देयर एलसीएम इज 209, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी इज। तो यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले ये देखिए कि आप जानते हैं कि दो नंबर्स हैं और वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ए और बी, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम इसका क्या होगा, इसका एलसीएम जो होता है वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ दीज टू प्राइम नंबर्स। कैसे, तो जैसे प्राइम नंबर आप ये एग्जांपल के तौर पे देखिए, दो होता है, तीन होता है, पाँच होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, वो संख्या जो एक से और खुद से के अतिरिक्त किसी और से डिवाइड ना हो। सेवन होता है, फिर एलेवन होता है, थर्टीन होता है, और क्या होता है, सेवनटीन होता है, नाइनटीन होता है, ट्वेंटी थ्री होता है। इस प्रकार से ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप अगर देखेंगे दो और तीन का हमसे कोई एलसीएम पूछे, एलसीएम बताइए दो और तीन का, तो आप क्या बताएंगे, ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 यानी 6। सिमिलरली कोई हमसे कहे कि 7 और 11 का एलसीएम बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 11 का एलसीएम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 और 11। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं यानी 77। तो सिमिलरली यहाँ ए और बी दोनों प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी। अब ये जो ए इंटू बी है ये किसके बराबर है, तो यहाँ दे रहा है कि a इंटू बी जो है ये 209 के बराबर है। अब तो क्या है, a ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो हम ऐसा करें कि इसमें चेक करें a मल्टीप्लाइड बाई b का किसका प्रोडक्ट 209 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इन प्राइम नंबर्स में से ये दो से तो नहीं जाएगा, फिर तीन से भी नहीं जाएगा, 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सिमिलरली ये 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जा रहा है, 7 × 2 = 14 और ये क्या आ जाएगा, 69 नहीं जाएगा। फिर क्या है, 11, 11 से चेक करें तो 11, 9 आएगा, ये 11 से कट रहा है। तो यानी 11 से ये कितनी बार में जाएगा, 209 को आप 11 से डिवाइड करें तो क्या, कितना इसका ये आए, ये कितनी बार में जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, और 11 × 9 = 99 यानी 19। तो दूसरा नंबर 19 हो गया और पहला नंबर 11 हो गया, ठीक है। तो यानी हमारा इसमें ए क्या होगा, ए बड़ा है बी से, कंडीशन दिया हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए डेफिनेटली 19 होगा और बी क्या होगा, बी 11 होगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू। तो ए स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर माइनस बी क्या है, 11। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 माइनस 11, ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 350, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।